कौन सी सरकार को लेकर आएंगे फिर? कांग्रेस को तो आप इतने सालों से देख ही रहे हैं। कुछ लिख रहा क्या वाजपेयी की? हम इसे लेकर आए थे, हटा देंगे, तो कोई और देख लेंगे। कानून काले कैसे हैं? पहली नियत काली, तरीका काला, तीन कानून, एक अनलिमिटेड स्टॉक करवाएगा, सारे अनाज पे कब्जा हो जाएगा। दिल्ली में जो बैठे हैं ये भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं क्योंकि किसानों का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ है और लगातार यहीं पर जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों की भीड़ जो है वो मरनी शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसका किसान आंदोलन का जो असर है वो उस पर जरूर पड़ेगा। देखिए, कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर कई रैलियाँ करेंगे, ममता बनर्जी कई वहाँ पर रैलियाँ करेंगी और ये रैलियों का दौर तो लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन का असर इन चुनावों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ा। कैसे? कि जब किसानों की कोई सहायता नहीं करी जा रही तो आंदोलन तो चल ही रहा है, इसका फर्क तो पड़ेगा उनको। चुनाव में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें जो आम जनता वोट दे रही है तो वो देख सोचेगी कि किसान के साथ इतना अत्याचार करा जा रहा है, 3 महीने 13 दिन में इतना अत्याचार कर दिया किसानों पर, तो हम वोट किसे दें, वो सोचेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि मतलब सरकार ये कहती है, सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ ट्रेंड करती है कि जो किसान है वो सिर्फ यूपी का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का है, पंजाब का है, बाकी किसी राज्य से किसान आंदोलन को कुछ लेना देना नहीं है। कितनी सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं। पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड से किसान इस आंदोलन में शामिल है। आंदोलन पूरे उसका वर्ल्ड का है, पूरा आंदोलन सब किसानों का है। ये झूठ बोली सरकार, इनके पास और कुछ कहने को है नहीं। और भी कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, किसान आंदोलन को 3.5 महीने हो गए हैं और किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। उम्मीद है, और जिस तरह से अभी राकेश त्रिकेजी जी ने भी कहा कि ये जो आंदोलन है वो अगली सर्दियों से शुरू हुआ है और अगली सर्दियों तक जाएगा, उससे पहले सरकार क्या मान सकती है? नहीं, सरकार का अड़ियल रवैया मुझे लग रहा है कि सरकार जब तक बदलेगी नहीं तब तक मानेगी नहीं। और राकेश टिकैत जी भी वो किसान नेता है कि ये सरकार बदल के ही कानून वापस करवाएंगे, लेकिन कानून वापस करवा के रहेंगे। जहाँ तक बात आ रही है कि अन्य राज्यों में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं मध्य प्रदेश से आता हूँ और 3 सभाएं मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी 40-40, 50-50 आदमी की हुई। और कृषि मंत्री जहाँ से आते हैं, तोमर साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र में सभा हुई है। तो इससे एक मैसेज आता है कि भारत भर का किसान कितना ज़्यादा परेशान है। रही वोट की बात, तो वोट तो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है और उसी से चोट हम करेंगे तब जाके, ये राजनीति नहीं है, उससे चोट करनी है। ऐसी सरकारों को हमको उखाड़ के फेंकना है। ये मोदी जी जो कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। वो वोट की राजनीति जिसने होगी, इस प्रकार की तानाशाही सरकार को 90% किसान जो किसानों से जुड़े लोग हैं और किसान हैं वो जरूर सरकार को बदलने का काम करेंगे। कोई कांग्रेस थोड़ी ना बदलेगी सरकार को, आम जनता बदलती है सरकार को, आम जनता सरकार को लाती है। तो जाहिर सी बात है, ये भी एक हमारा आंदोलन का रूप होगा, वोट देना भी, वोट लेना भी। मतलब मैं ये कहूँ कि किसान ये कह रहा है कि कृषि मंत्री ये नहीं जानते कि किसान क्या होता है, तो फिर कृषि मंत्री उन्हें क्यों बनाया गया? वो तो सरकार को पता होगा, सरकार ने क्यों बना दिया? वोट तो किसानों ने भी दिया है। वोट किसानों ने दिया, पूरी सरकार को किसानों ने बनाया, सरकार पे भरोसा करा किसानों ने, और सरकार जो है किसान की बात नहीं मान रही तो इसका नुकसान सरकार को जाएगा। तो भरोसा टूटा है किसानों का? भरोसा तोड़ दिया किसान ने, बहुत भरोसा करके सरकार प्रदेश में केंद्र में किसान सरकार को लाए, बहुत भरोसा था सरकार पे और सरकार ने भरोसा तोड़ा। पहले मांग उठ रही थी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू की मैं बात करूँ, नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, हलचल तो पहले से ही शुरू थी, तब से लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है संशोधन करे बिल में, संसद से लेकर सड़क तक ये आवाज़ गूंज रही थी। अब ऐसा क्या हो गया कि कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार तो हम हटेंगे नहीं, क्यों? जब सरकार ही संशोधन करने को तैयार है तो गलत तो ही बिल ही है, बिल गलत हैं, जब ही तो किसान जो है वापसी लेने को कह रहे, बिल सही नहीं है, वापसी कर दो पूरे को। किसानों के बीच लगातार हम मौजूद हैं क्योंकि किसानों से ही देश चल रहा है, कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जो किसान है वो 90% है, बाकी जो है
वो तमाम चीज़ें करते हैं। तो किसानों की आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है, किसानों की आवाज़ बनना बेहद ज़रूरी है, और यही आवाज़ उठाने के लिए आज रिजवल इंडिया जो है गाजीपुर बॉर्डर पर आया है। वैसे तो रोज़ाना गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर करने के लिए रिजवल इंडिया आता है। आज कुछ किसान हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं रिजवल इंडिया पर, तो उनसे हम बात करेंगे। आप भी किसान हैं, और कहें तो हर कोई किसान का बेटा है या बेटी है, लेकिन किसान आज सड़कों पर है। 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, धूप चरम पर है, सूरज जो है तिलमिला रहा है पूरी तरीके से, किसान कब तिलमिलाएगा? नहीं, किसान तो कभी तिलमिलाने वाला है ही नहीं, ये सरकार तिलमिला रही है, क्योंकि इतनी ठंड, अभी किसानों ने अपना धैर्य नहीं खोया। और ऐसी स्थिति आज ये है कि आज आप देख रहे हैं कि आसपास हजारों किसानों की भीड़ है, और ये किसान अब समझ चुका है कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो हमारा अस्तित्व ख़त्म है। सरकार या तो इनको खदेड़े, गोली से उड़ाए, या किसी भी प्रकार करे, पर किसान जाने वाला नहीं है। ये मतलब किसान और जवानों का आमना सामना सरकार करवा रही है, क्योंकि किसान ही कह रहे हैं कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोली तो जवान ही मारेगा। तो क्या हो गया, मारना पड़ेगा, वो सरकार के नुमाइंदे हैं, और हमारे भी फौज में बैठे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। अब ऐसा थोड़ी कि वो मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार की मंशा है। और तब जब आमने सामने होगा, तो आज ऐसे बुजुर्ग जो बैठे हैं 100 साल के 70 साल के, इनके ऊपर गोली मार के वो क्या करेंगे? भाई आज हमारा हक मांगने के लिए आज रोड पे बैठे हैं 3 महीने से, तो कम से कम सरकार ने सोचना चाहिए कि इतने किसान परेशान हैं, और आम जनता इतनी परेशान है, त्राही माम मची है। गैस में देख लो, पेट्रोल में देख लो, किसी में भी देख लो, आप कहीं पे भी किसी भी शहर में चले जाओ, गांव पे चले जाओ, आपको कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो शांतिपूर्वक बैठा हो, किसी न किसी प्रकार से उसके ऊपर बाधरेसन है, या तो पारिवारिक बाधरेसन है, कर्ज का बाधरेसन है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि जो हमारी फसलें, जो उत्पादन होता हमारा, वो हम जब मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो उसका दाम ही नहीं मिलता। लेकिन 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 गाजीपुर बॉर्डर पर आप हैं, आपने देखा कि कई दिनों से ये जो रास्ते हैं बंद थे, अब धीरे धीरे रास्ते खोले जा रहे हैं। आम जनता तो इससे भी परेशान है ना, जो दिल्ली से नोएडा नौकरी करने के लिए आते हैं, उन्हें कितना घूमकर आना पड़ता है। जी देखिए, ये हमारी भी परेशानियां हैं, अब आप भी सोचे, सरकार भी सोचे, हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा बैठने में, हमारे परिवार को छोड़ के हमारे बुजुर्ग यहाँ शहीद हो चुके हैं, हम भी जानते हैं, हमें भी तकलीफ है, पर ये बात सरकार को भी सोचना चाहिए। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, अभी एम्बुलेंस आ रही है, जो भी गाड़ियाँ आ रही है हम आगे रह के निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको हम रोक रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। और लगातार हमारा भी प्रयास है कि सरकार अगर सुन ले जल्दी, तो सरकार का भी बाधरसन खत्म हो जाएगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में अभी जहाँ जहाँ भी उनके नगर निकाय के चुनाव होंगे, गाँव में पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें उनको भारी तकलीफ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, अभी हाल ही में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, क्या उस पर भी असर दिखाई देगा किसान आंदोलन का? बिल्कुल देगा सर, वैसे तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, देवास ज़िले से, और अभी हमारे देवास ज़िले में भी नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसमें भी उनको परिणाम देखने को मिलेगा, और बहुत सी जगह जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ उनको परिणाम देखने को मिलेगा। अभी हमने तमाम किसानों से बात की है, आपसे भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसान क्या कहना चाह रहा है, हर किसान के मन में क्या है इस आंदोलन को लेकर, उनसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, पूर्वांचल में इसका कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, सभी जहाँ किसान आंदोलन है, क्योंकि किसानों की जो MSP पर जो कानून नहीं बना रहे, और जो 3 कानून काले कानून जो ला दिए गए, ये किसानों के लिए बोझ है। और मतलब सरकार BJP को तो किसानों ने और मजदूरों ने लाया था, कमल को उगाया था, इन्हें कमल को ये अब कमल का काटने का काम करेंगे, किसान और मजदूर जो है अब नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इनने बहुत झूठ बोला है, और केवल प्रधानमंत्री सेवक बोलते रहे कि हम प्रधान सेवक हैं, अब तो 2 लोगों के ही सेवक बने, अडानी और अंबानी के सेवक बने, क्योंकि अब किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे किसान इतने शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी यहाँ पर आकर। किसान आंदोलन से लेना देना नहीं होगा तो फिर अनाज कहाँ से खाएंगे? देखिए वो भी तो रोटी खाते हैं सरकार भी, या सरकार कुछ और खाती है या बाहर से मंगवाती है? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि किसानों को जिस प्रकार वो बोल रहे हैं कि आतंकवादी हैं, नक्सलाइड हैं, खालिस्तानी हैं, ऐसा बोल रहे, तो ऐसा लगता था उनके किसानों से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने बोला है, उनके मंत्रिमंडल ने बोला है, कृषि कानून उनके कृषि मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है,
वो क्या बात करेंगे, मतलब पूरे सरकार को उन्हें, पूरे देश को डुबाने का काम किया है उन्हें, और कृषि मंत्री को खुद कानून समझ में नहीं आ रहा है उनके, वो दूसरों को क्या बताएंगे, किसानों को क्या समझाएंगे वो। आप किसान युवा हैं और ये उम्मीद जगाई जाती है कि देश का युवा जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे ना भागे, खेती भी करे, ताकि क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और कृषि नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है आप मैं सभी जानते हैं। आपकी क्या राय है इस कृषि बिल को लेकर, इस किसान आंदोलन को लेकर जो कि पिछले 3.5 महीने से ज़्यादा के वक्त से चल रहा है? देखिए, जो ये किसान बिल है ये आने वाली नस्लों के और फसलों के लिए है। अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान बर्बाद हो जाएगा, खेती घाटे का सौदा होगी, तो नौजवान खेती को छोड़कर दूर जा रहा, 1 एकड़ में लगभग 50,000 रुपये का नुकसान है किसान को, लगातार कर्जदार होता जा रहा है किसान। आपने पूरा कृषि बिल पढ़ा है जो सरकार ने जो कृषि बिल लेकर आया है नया, क्या आपने पढ़ा है उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है? 14 सितंबर से लगातार मैं इस बिल पर किसानों को जगाने का काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा बिल पता है, जमाखोरी का है, महंगाई बढ़ाने का इनका फंडा है, जो किसानों की ज़मीन है कारपोरेट को दे रहे हैं, इनका वो है मामला। निजीकरण तो हर क्षेत्र में हो रहा है, तो कृषि का क्यों कर रहे हैं, इनकी नज़र किसान पर क्यों है, किसान को तो ये बर्बाद करना चाहिए। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सरकार जो है देश बेचने का काम कर रही है, साथ ही साथ कृषि बेचने का काम कर रही है। हाँ, एक ही तो चीज हमारे देश में जमीन बच रही थी किसान की, वो ये बेच दिया, सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया, अब किसान दो ही रहेंगे देश में, अंबानी और अडानी, और सब बंधुआ मजदूर होंगे। अंबानी और अडानी कभी खेत में भी गए हैं? अरे बाहर से बुला लेंगे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ऐसे ही आई थी, ऐसे ही बाहर से कंपनी आएगी, वे यहाँ पे ठेके पे खेती करेंगी और देश दोबारा गुलाम होगा। यानी जो ब्रिटिश शासन हुआ था वैसे हालात हमें देखने के लिए मिलेंगे एक बार फिर से? पूरे वही हालात हो रहे, पूरा जैसे बाहर से कंपनी आई थी और यहाँ पे फूट डाल गए, जैसे अब किसानों में भी फूट डालने का काम कर रहे, तो इनकी तो नीति है, दंगा ही सरकार है। तो किसानों में अगर सरकार फूट डाल रही है तो किसानों को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो यूनिटी रखे, क्या इतनी समझ किसानों को नहीं हो रही है? क्या कृषि कानून के बारे में हर किसान को, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा जमींदार हो, सबको पता है? देखो किसान लगातार जाग रहा है, पहले सैकड़ों किसान दिल्ली की तरफ आए थे, अब लाखों किसान जगह जगह रैलियों में जुड़ रहा है, पूरा देश का किसान एकजुट हो रहा है, समझ रहा है, हम लगातार हमारा प्रयास है कि ये बिल किसानों तक पहुंचाए, इनका क्या नुकसान है। आप ये कहते हैं कि सत्ता पलट होगा क्योंकि किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, कौन सी सरकार को लेकर आएंगे फिर? कांग्रेस को तो आप इतने सालों से देख ही रहे हैं, कुछ लिख रहा क्या वाजपेयी रहेगी, हम इसे लेकर आए थे, इसे हटा देंगे, आपको कोई और देख लेंगे। कौन सी पार्टी देखेंगे फिर? पार्टी कुछ नहीं होती, किसान अपनी सरकार खुद बनाऊंगा और अपने फसलों के फैसले भी किसान खुद करेगा, ये है बात। पार्टी कोई नहीं है, पार्टी तो हमने सब देख रखी है। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद है, एक तरफ किसान युवा है और एक तरफ मध्यम, तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन दोनों की सोच कहाँ मिलती है, क्या दोनों की सोच एक है, देश का जो युवा है जो किसान घर से है क्या वो भी यही सोचता है, और जो लगातार किसानी कई सालों से कर रहा है क्या वो भी यही सोचता है? सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये जो सारे बिल हैं जो भी सरकार लेकर आई है, पहले संशोधन की बात हो रही थी, उसके बाद कहते हैं कि ये काले कानून है, पहले संशोधन की बात क्यों की गई? देखिए कृषि बिल नहीं है, गलती से कृषि लिख दिया, ये अन्नादानी और अंबानी के बिल है, इस देश में मुकेश अंबानी, अडानी, नीता अंबानी, हेमा मालिनी और कंगना रनौत ये खेती करेंगी, किसान जाएगा रेस्ट पे, इन्हें गधों को शर्म नहीं आ रही, ये कृषि का कानून कांग्रेस है, ये कानून है अनलिमिटेड भंडार का, किसान करेगा भंडार, किसे वो व्यापारी करेगा भंडार, 10 रुपये में खरीदेगा, 200 का और रेट हो जाएगा तब निकालेगा, ये कानून है कि किसान की जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर जाएगी, किसान कहेगा मेरी छोड़ दे तो कोर्ट नहीं जाएगा, किसान एसडीएम का जाएगा, एसडीएम फटेहाल किसान की सुनेगा, बैग वाले व्यापारी की सुनेगा, ये इस देश में पहला प्रतिबंध है किसी पे कि तुम कोर्ट नहीं जाओगे, ये कानून दिल्ली में नहीं बने हैं सरकार। जब 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 संशोधन की बात सरकार ने की थी तब कुछ पॉइंट्स रखे थे सरकार ने, उसमें कोर्ट जाने की बात भी थी, उसमें तमाम चीज़ें भी थी, एमएसपी को लेकर भी था कि एमएसपी किसी भी हाल में खत्म नहीं होगी। किसान जो है, जिस किसान ने सत्ता में सरकार को लेकर आई है, कमल खिलाया है, वो किसान क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे संशोधन पर? भरोसा इन पर कैसे कर ले, इस देश का जो राजा बोल रहा संसद में के एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, दे रानी है, दे दे फिर, जब है तो दे दे लिख के, एक लाइन लिखने में क्या शर्म आ रही है कि गारंटी पक्की खत्म बात, परंतु दोस्तों का नुकसान हो जाएगा ना, दोस्तों को छूट दे रहा कि 600 में खरीदो, 800 में खरीदो, 200 में खरीदो, लूट कर लो, ये इसकी गोलमोल की बात समझ में आ गई है। ये मोदी जी बोलते थे कि आए दुगनी करूंगा, दो उंगली उठाता था बम्बई की माई को, उनकी करेगा दुगनी, किसान की नहीं, इसकी बात देर में समझ आनी शुरू हुई, अब किसान ने समझ ली,
इस सरकार का एक का घोड़ा किसान ने पकड़ा, नाथ पकड़ ली, ना पीछे हटने दे रहा ना आगे जा रहा। इनका तोड़ करके किसान जाएगा, इनके बाबा के खाते में से पैसे मांग रहा किसान। इनको देखो ये भी नहीं पता न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम सरकार देती है कम से कम मूल्य, उसको भी पक्का नहीं दे रहे। देखिए यहाँ बात तो किसानों की तो हो गई है, आम जनता की भी बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप मैं हम सब आम जनता भी हैं, किसान भी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना जो हर घर तक मेरे ख्याल से सबके घर पे गई होगी, जो भी जिनके घर में सबकी जो बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं और बीवियाँ हैं, सब उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होंगी। क्या फ़ायदा है उसका जब आप उसमें LPG भरवा ही नहीं सकते, फ़ायदा क्या है फिर उसका? देखिए जब ये सरकार आई 54 रुपये डीजल खरीदते थे हम ट्रैक्टर में, आज खरीद रहे हैं 84 रुपये, 30 रुपये बढ़ा है 6 साल में। और ये सरकार डांस करती थी दिल्ली की सड़कों पर, प्याज गले में डाल के और सिलेंडर हाथ में लेकर। वो डांस करने वाली पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो कहती थी मेरा मन करता है चूड़िया दे दूँ प्रधानमंत्री को, कंगन का काम कर रखा इसे दे दे, जो देने इसे नहीं दे रही है। अब ये क्या कहते हैं, ये सरकार क्या क्या कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है भाव। फिर सरकार किस बात की है, हमारे हाथ में तेल नहीं है तो 6 साल पहले क्यों ननंगा नाच कर। कोरोना 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 का हवा बनाया जा रहा है और कोरोना कहा जा रहा है कि कोरोना है, इस वजह से जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, हालात इस वजह से अर्थव्यवस्था इसलिए चरमराई है। देखिए कोरोना क्या बंगाल में नहीं है, क्या असम में नहीं है, क्या केरल में नहीं है? जब पीक चल रहा था कोरोना का, जब ये बिहार में जनाब रैलियां कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, अभी भी तो पीक चल रहा है कोरोना का। अभी देखिए कोरोना देश में आया था दो चार महीने को, वो इस सरकार से डर के भग गया कि यहाँ से यहाँ मेरे से बड़े डाकू बैठे इस देश में, तेरा पैर नहीं लगेगा, वो वापस भाग गया। अब कोरोना कहीं नहीं है, अब तो ये फंडा चल रहा है बच्चों से पैसे खाने का, देश को गुमराह करने का। जहाँ इन्हें अपनी बात मनानी होती है वहाँ तो कोरोना। अरे इस देश में कोरोना से बड़ी बीमारी है दोनों हैं बागड़ बिल्ले, दुशासन दुर्योधन, ये कोरोना है। इस देश से इनको भागना पड़ेगा, देश ठीक हो जाएगा। ये गुमराह करके गोल गोल देखिए, ये ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। जब यहाँ आके बैठे हम 20 दिन तो बोलते थे हम किसान को समझाएंगे, हम 700 पंचायत करेंगे, एक करी खट्टर की, दूसरी नहीं कर रहे, उसकी भी हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरा। खट्टर भाग कर गया अमित शाह के द्वारा रोकता हुआ, पहले रोया फिर हंसा, अकबर रो क्यों रहा, रो पंचायत न होंदी, नू हंस क्यों रहा, नू वो दोबारा बुला रहे दोबारा बुला रहे। कानूनों का जिक्र चल रहा है ना, या काले कानून वापस लो, तो ये तो अपनी मेहनत का और अपनी जो लड़ाई इन्हें समझ में आई वो लड़ रहे हैं, वो मामला कानूनों का। इस वजह से वकीलों को भी आना पड़ेगा, और मेरे पास जमीन भी है थोड़ी सी, तो किसान भी माना जाता हूँ। किसान और वकील दोनों हैं आप, इस मकसद से यहाँ पर आप आए हैं, इन किसानों का समर्थन आप कैसे करेंगे? क्या आपके और भी साथी यहाँ आ सकते हैं? मैं समर्थन नहीं करने आया कि मुलायम सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये हमारी लड़ाई है। तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने आया हूँ अपने भाइयों के साथ। और जहाँ तक कानून, शायद आपको अभी तक बहुत लोगों ने बता दिया होगा कि ये कानून काले कैसे हैं, पहली नीयत काली, तरीका काला, 3 कानून, 1 अनलिमिटेड स्टॉक करवाएगा, सारे अनाज पे कब्जा हो जाएगा। दिल्ली में जो बैठे हैं ये भूख में धंधा और फ़ायदा देख रहे हैं, इनसे जो लड़ने आए हैं वो अनुत्पादक हैं। गुरु के सिखों के नेतृत्व में जो कहते हैं प्रसादा पाओ जी लंगर छको जी, तो भूखा रख के फ़ायदा कमाने वाले गुजराती सेठों में और अनुत्पादक के बीच में ये संघर्ष हो गया है। दूसरी चीज़, ये मंडियों को ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिस्टम को ही ख़त्म करना चाहते हैं जहाँ से हमें वाजिब मूल्य मिलता। अब 2 मंडियाँ, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 इंडिया 1 इलेक्शन करते करते मंडियाँ 2 बनी रहेंगी। तीसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारी ज़मीनें खाने के चक्कर में है। लोग हैरत करते हैं कि ज़मीन चली कहाँ जाएगी, 2 बीघे 4 बीघे के चक्कों को मिला के जब 100 एकड़ का फार्म बनेगा तो वो ज़मीन कहाँ गई किसान को पता भी नहीं चलेगा। वो शिकायत करने जाएगा तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर नहीं घुसने देंगे। SDM जब लाखों किसानों, सरकार नहीं सुन रही 114 दिन से, तो एक SDM सुन लेगा क्या? तो ये जो कानून है हम इनके विरोध के लिए आए हैं। लोग पूछते हैं आपकी रणनीति ये वो, तो हमारे जो सेनापति हैं इस वक्त चौधरी राकेश टिकैत, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, चाहे हम इनके गोदाम तोड़ने पड़े, चाहे अनाज जलाना पड़े, हम इनके कब्जे में एक दाना नहीं जाने देंगे। और लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब अनलिमिटेड स्टॉक होगा तो हमारे घर में तो 6 महीने के दाने हम फिर पैदा कर लेंगे। हमारे पास भैंस भी है, दूध निकाल के चाहे हम मट्ठा पिए, चाहे घी खाएं, चाहे मक्खन खाएं, हमारे पास गुड़ भी है,
लेकिन आप बताइए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे से जब ये राशन गायब हो जाएगा तो ये शहर के जो लोग डिपेंड करते हैं राशन की दुकान पे, ये कहाँ जाएंगे? आज जो अगर आप हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं तो मोदी जी के तो कान बहरे हैं, वो तो तब सुनते हैं जब सेठ के पेट पे लात पड़ती है। बायकॉट जियो वो तिलमिला गए, लेकिन आप जाके शहर के उन लोगों को इस बात की बताइए कि ये लड़ाई किसान अपनी नहीं लड़ रहा, हमारी जमीन अगर इनको लेनी होगी तो या तो खून में सनी मिलेगी और पैसों में उसका मूल्य नहीं, इन सेठों को अपने खून से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जानते हैं इस बात को। तो इन लोगों को जाके कहिए जो प्रताड़ित होंगे जब राशन की दुकानों से राशन गायब हो जाएगा कि ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम भी जाओ, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम 23 मार्च को इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही लगा दो, क्योंकि भगत सिंह अभी जिंदा है, गांधी आउटडेटेड है। थैंक यू।